वैद्य गुरु धन्वंतरी जयंती अवसर में ओडिशा आयुर्वेद सेवा संस्था कटक पक्षर बाणीपीठ श्री रामचंद्र भवन ठारे धन्वंतरी जयंती महासमारोह अनुष्ठित हो जाई। सेवा संस्थार अध्यक्ष तथा आयुर्वेद गवेषक डाक्टर दीनबंधु महाराणा अध्यक्षतार अनुष्ठित उत्सव को मधुसूदन आईन महाविद्यालय कुलपति प्रोफेसर कमलजीत सिंह उद्घाटन करते श्री श्री विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर तेज प्रताप मुख्य अतिथि भाव जोगदे पार्श्व प्रतिक्रिया विहीन आयुर्वेद चिकित्सा को भारत सरकार आयुष मंत्रालय देशर प्रति जिले में पंचकर्म चिकित्सालय खोली जनसाधारण यार सुजोग नियंतु बोली से परामर्श देते। प्रोफेसर डाक्टर रविनारायण पंडा प्रोफेसर डाक्टर प्रदीप कुमार पंडा विशिष्ट लेखिका प्रोफेसर प्रभाती मिश्र प्रमुख जोगदे आयुर्वेद चिकित्सा उपरे आलोचना करते। अवसर में स्वास्थ्य सन्देश स्मरणिका उन्मोचन करा कवि सम्मेलनी सह सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित होता। यह कार्यक्रम में आईनजीवी अजित महापात्र डाक्टर मिनती महाराणा जोगगुरु सागरिका जेना डाक्टर दिव्यज्योति महाराणा अध्यापक अशोक पंडा कवि रंजन कुमार साहू प्रमुख जोगदे। आम आयुर्वेद एक पार्श्व प्रतिक्रिया विहीन चिकित्सा यही चिकित्सार सुजोग नाक आम जनसाधारण को अनुरोध करुँपाई आज पवित्र धन्वंतरी जयंती ख्रीष्टपूर्व 3000 मसीहा तले आयुर्वेद भारत वर्षर प्रथम विकास लाभ करापर पृथ्वीर बड़ बड़ देश मानक आदर लाभ करा तेणु यही चिकित्सा गच लता पत्र फूल चेर उपर निर्भर करे यार अनेक औषध सब तैयारी लोक मानक उपकृत करेणु जनसाधारण को अनुरोध यह जेहेतु पार्श्व प्रतिक्रिया विहीन चिकित्सा एवं बॉडी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेबार सहायक होतु जनसाधारण यार सुजोग को आम आज पवित्र धन्वंतरी जयंती में अनुरोध कर। यहाँ जो धन्वंतरी दिवस के लिए का आयोजन किया गया है आयुर्वेद सेवा सदन द्वारा बहुत ही एक मैं ये कहूँगा कि बहुत निष्ठावान लोग हैं उड़ीसा में जो इस चीज़ की याद रखते हैं और धन्वंतरी जी के सम्मान में महर्षि धन्वंतरी के सम्मान में आयोजित किया गया है। और क्योंकि मैं दूसरी जगह से आया हूँ मैं आपको अच्छी तरह से बता सकता हूँ कि ये निष्ठा ये अपने महर्षियों के प्रति अपने इतिहास के प्रति ये उड़ीसा के लोगों की खासियत है। बाहर वाले आदमियों के लगता है मैं बहुत प्रभावित हूँ और विभिन्न कार्यक्रम यहाँ उपस्थित किए गए और उसके ऊपर प्रवचन कि ये धन्वंतरी जी ही की नहीं लेकिन आयुर्वेदिक पद्धति के ऊपर इसके ऊपर ये तभी संभव है जब वहाँ की पब्लिक साथ दे दे और उस संघ के लोग हों। बहुत अच्छा लगा ये एक बड़ा सराहनीय कार्य हो रहा है। देखो आज ये धन्वंतरी दिवस उपलक्षे डॉक्टर दीनबंधु महाराणा जो धन्वंतरी जन्मदिवस जो ये आसर जमी ए आसर आजपाई नुहे यहाँ हूँ दीर्घ दिन आसर दीर्घ 40 वर्ष धरी से आयुर्वेद को लोकों पाखे पहुँचापी जो भाया प्रयास रखिंट से प्रयासर आज हूँ गोटे ज्वलत उदाहरण तर उद्देश्य जे आम प्रत्येक भगवान पाखु जन्म नहीं चु धन्वंतरी से जो अमृत धरी बाहरी समुद्र मंथन रु से अमृत आंब मानक दिने जे सुस्थ रखी आज संदेश तेणु आमको सुस्थ रहा आमर जो आयुर्वेद मेथड में जो गुड़ाक चाली चलन आचार व्यवहार ठूँ आरंभ कर दिनचर्या ऋतुचर्या आरंभ कर खावा पीवा आरंभ कर जिते प्रकार आम पाखे साधारण जीवन अच्छी से साधारण जीवन को जदि आम पाथेय कर चलू ताम पाखे रोग निश्चित रही पारे। आप देखु आयुर्वेद उपरे लोकंर धीरे धीरे आस्था कटि जा कहीं बहुत कारण अच्छे प्रथम हूँ पाश्चात्य चालचलन आम अधिक रु अधिक आगबर होमकर चालचलन आचार व्यवहार ठूँ आरंभ कर आप टे गरम है फैन लगे दूचु एसी लगे दूचु किंतु से आम मान को जना पड़ूनी जे परवर्ती अवस्था से आम रोग को आगे आणुचु किंतु आयुर्वेद से गुड़ाक नहीं आयुर्वेद तापाई आप दिनचर्या शीत दिन में आप कमिका चलिए खरा दिन में आपंकर खाद्यपेय किमी रर्षा दिन में आपंकर खाद्यपेय किमी रही गुड़ाक जदि आम ठीक भाव में नहीं चलू तम पाखे निश्चित स्वास्थ्य रोक आउ गोटे बड़ जिनस जो पार्श्व प्रतिक्रिया हूँ एलोपैथी औषध में बहुत किंतु आयुर्वेद पार्श्व प्रतिक्रिया ना तेणु आम आमर जो आम रोसे घरे जी जिनस रखीचु
से ही आप धनिया कहतु पानमौरी कहतु मेथी कहतु अदा कहतु से ही गुड़ाक आम देह को निश्चित साने जाथे रोग हूँ अग्नि शैवाल मंदाग्न आमर जिते रोग हो रोग हूँ अग्नि मंदिर हो तेणु अग्नि मंद्य है मैंने आम पाखे रोग हे तेणु अग्नि को आम जब ठीक रहा आम खाद्य डाइजेशन को जब आम ठीक रखा तो आम पाखे रोग रही। कटक्रु राजेन्द्र छोटराय रिपोर्ट एनटीवी।